तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से कुछ 17,000 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। वहाँ पर टोटल 4 प्रकार की भर्तियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक और ANM। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके की यहाँ पर एक वीडियो और बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस है एक प्रकार का, जो कि है उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं और यहाँ पर आगे इनका पेमेंट भी बताया गया है कि कितनी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया था कि NUHM की तरफ से, DHS की तरफ से, और यहाँ पर बहुत सारे कुछ 8 से 9, 10, 12 प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से वैकेंसी निकली हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17,291 टोटल पद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर जो नोट लिखे हैं, जो आप छोड़ देते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, उस बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर निवासी जो हैं, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा एक तरीके से, और जो कि अदर, मतलब जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उत्तर प्रदेश का, या जो भी अलग किसी स्टेट के हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में उनको कंसीडर करा जाएगा, ठीक। इन दो लाइनों का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, उसमें ये बोला गया है कि जो ANM की जो पोजीशन है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, और जो मेल है वो वहाँ पर बची हुई पोजीशन जो भी है उसके लिए, और स्टाफ नर्स की जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों, चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिशन में अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यह बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट OBC के हैं या EWS वाले हैं, उन सबको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, SC ST जो भी हैं, और जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उनका होना चाहिए वो 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद जो 6, 7, 8 पॉइंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी डेट्स हैं वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं कि 27 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, 27 नवंबर से, और 12 दिसंबर तक यहाँ पर आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके नीचे यहाँ पर जो नोट हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है कि आपको कुछ भी फॉर्म में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको मोबाइल नंबर को मतलब अलग अलग नहीं डालने, यानी कि सेम मोबाइल नंबर ही रखना है आपको फॉर्म को भरते समय। और यहाँ पर दोस्तों, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कोविड एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको लेकर दोस्तों मेरे पास कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर कोविड के ऊपर ही लिखी हुई हैं कि कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कोविड मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो भी मेरे को समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर पूरी रिसर्च करूँगा पहले इसके बारे में, तभी आप लोगों को इस बारे में कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों, आपका जो टेस्ट जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर ऑनलाइन पूरी तरीके से होगा। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया बताया गया है, उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर अनरिजर्व्ड और यहाँ पर EWS के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 33% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, यानी कि 100 में से 33। उसके बाद OBC वाले जो हैं उनको 30 नंबर यानी कि 100 में से, और ST और SC और जो PWD के हैं उनको यहाँ पर 20 मार्क्स लेके आना है आउट ऑफ 100, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में चीज़ें यहां पर लिखी हैं। तो दोस्तों, इसको अभी थोड़ा सा क्लियर करना बाकी है कि यहां पर किस चीज़ की बात करी जा रही है, कौन से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, या तो कोरोना काल में जिन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर काम किया होगा अस्पतालों में, उनका कोई सर्टिफिकेट है, या किसी प्रकार का क्या है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, इसको यहाँ पर अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देख लेनी है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों, वो पूछ रहे थे कि क्या हम बी फॉर्म के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बी फॉर्म के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप इंटर करे हुए होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास डिप्लोमा हो,
या तो डिग्री हो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर डिग्री साफ साफ लिखा है कि डिग्री इन फार्मेसी, और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, ऐसा ऐसा यहाँ पर साफ लिखा है। और एज आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज 40 है और यहाँ पर जो न्यूनतम एज है वो आपकी 18 साल यहाँ पर रखी गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि क्या क्या आप फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, नोटिस दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद कौन कौन सी सिटीज़ में आपका ये टेस्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपका है और किस प्रकार से होगा यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है साफ कि आपके जो 80 मार्क्स होंगे वो आपकी जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि डिप्लोमा और जो डिग्री है उनके कोर्सेज से होंगे। उसके बाद जो 20 नंबर होंगे आपके, जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज है उससे होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और यहाँ पर जो निगेटिव है वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में भी दी गई होंगी, तो वो आप दोस्तों डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जितनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पर रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों आप ये सेकंड थर्ड पॉइंट जो भी है वो पढ़ सकते हैं फिलहाल, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत भरते हैं या फिर आप कोई भी फोटोग्राफ या कुछ भी सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्मल हर चीज़ में होता है कि जिस पर स्टार हो वो आपको मैंडेटरी है, वो आपको फॉर्म में मतलब जो भी ऑप्शन है वो फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अगर एक बार कोई भी चीज़ यहाँ पर भर देते हैं उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो एज लिमिट में है वो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि जो मैं बात कर लूँ कि OBC वालों के लिए आपको 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का। अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसे डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि एक तरीके से आप दिव्यांग बोल सकते हैं, तो उनके लिए अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको 10 साल का और जो OBC से है उसको 13 साल का और जो SC से है उसको 15 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन जो है एक तरीके से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है, आप ऐसे करके यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों और जो चीज़ें हैं वो आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।